हेलो गाइस, आईओटी सीखने के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 4 का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता दूं, मैं बात किया था फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखें, देन आप ये लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी का वीडियो देखें। गाइज, हम बात करेंगे लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। इसका मतलब ये हो जाएगा इंटरनेट ऑफ जो थिंग्स है वो क्रिएट किस तरीके से किया गया, उसके पीछे क्या लॉजिकल डिज़ाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए समझेंगे लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी सिस्टम। रिफर टू एन अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या रहेगा, जो कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या रहेगा, अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका, एंटिटीज़ का। अब यहाँ पे और भी समझिएगा, विदाउट गोइंग इनटू लो लेवल स्पेसिफाई, मतलब बिना गए लो लेवल के लिए गए ही ये आपका क्या प्रोसेसिंग पूरी तरीके से कर देता है। किसके जरिए, अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन के जरिए, ठीक है। अब यहां पे ये भी समझ लीजिएगा कि लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी जो होता है वो मेनली यहां पे आपका तीन तरीके से यूज में लाया जा सकता है। जैसा कि आपका रहेगा सबसे पहला आईओटी फंक्शनल ब्लॉक, और दूसरा आईओटी कम्युनिकेशनल ब्लॉक मॉडल, एंड तीसरा यहां पे मिलेगा आईओटी कम्युनिकेशन एपीआई। गाइस, तो सबसे पहले यहां पे हम समझेंगे आईओटी फंक्शनल ब्लॉक, मतलब कोई टास्क मुझे करने के लिए उसके लिए अलग अलग प्रकार का आपको यहाँ पे फंक्शन देखने के लिए मिलेगा। कि मीन्स आपका अगर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से चल रहा है और डेस्टिनेशन तक पॉइंट जा रहा है, इसके पीछे कितने पॉइंट या कितने फंक्शन से होकर गुजर रहा है, सबके लिए आपका अलग अलग छोटा छोटा ब्लॉक बना रहेगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं पूरी तरीके से, कि जो कोई आपका डिवाइसेस रहेगा उसका डिवाइसेस का अलग फंक्शन रहेगा, आपका एप्लीकेशन जो डिवाइसेस को चलाता है पूरी तरीके से उसका फंक्शन अलग रहेगा। अब इन दोनों के बीच में आपका क्या रहेगा, जैसे कि यहां पे देखेंगे कि अलग अलग फंक्शन को मैनेज करने के लिए मुझे मैनेजमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पे क्या, जब मैनेजमेंट रहेगा तो भाई वहां पे सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या, कैसी सर्विस दिया जा रहा है, कि जो कि यूजर को या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसा सर्विस दिया जा रहा है वो यहां पे होना चाहिए। जब कम्युनिकेट हो पूरी तरीके से ये सारा चीज, आपका कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्या है, ये सारे फंक्शनल ब्लॉक हैं, इसके जरिए आपका एक टास्क परफॉर्म होता है। गाइस, जैसा कि यहाँ पे हम बात करेंगे आईओटी फंक्शन ब्लॉक का, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो आपका आईओटी फंक्शन ब्लॉक है ये प्रोवाइड कराता है, मतलब क्या, अलग अलग सिस्टम, प्रोवाइड द सिस्टम कैपेबिलिटीज फॉर आइडेंटिफिकेशन, मीन्स पहचान दिलाता है। जैसे कि आपका सेंसिंग का एक्यूरेशन हो गया, ठीक है, एक्यूरेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या, कम्युनिकेट कराने के लिए भी मदद मिलेगा और मैनेजमेंट करने के लिए भी यहाँ पे क्या मदद मिलता है पूरी तरीके से। आपका क्या, ये फंक्शनल ब्लॉक ही पूरी तरीके से कार्य करता है एक इन्फॉर्मेशन या एक टास्क करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे जो फंक्शनल ब्लॉक रहेगा, जैसे अगर डिवाइसेस की बात करेंगे, ठीक है, डिवाइसेस में आपका क्या रहेगा, एन आईओटी सिस्टम आपका क्या रहेगा, जो डिवाइसेस रहेगा जिसमें आपका सेंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेशन हो जाएगा एंड मॉनिटरिंग हो जाएगा एंड कंट्रोल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएगा कि आपके अलग अलग डिवाइसेस हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर सेंसिंग की बात करेंगे, मोबाइल में भी आपका देखिए सेंसर मिलता है, ठीक है। अब एक्यूरेशन का हो जाएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो दिया जा रहा है वो क्या पूरी तरीके से एक्यूरेट दिया जा रहा है, वो जांचना, चेकिंग करना, ये आपका क्या एक्यूरेशन का काम हो जाएगा। मॉनिटरिंग मतलब पूरी तरीके से देखभाल करना, देखना। अब सारे फंक्शन को कंट्रोल करना, इसका भी एक अलग डिवाइसेस लगता है जो कि यहाँ पे पूरा डिवाइसेस को मैनेज करेगा। जब देखिए कम्युनिकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे आपका एक सिस्टम या जो भी आपका डिवाइसेस रहेगा उसको क्या कम्युनिकेट करने में आसानी, इजी वे में कैसे कम्युनिकेट करेगा, इसके लिए आपका क्या कम्युनिकेशन भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बात करेंगे सर्विस की, तो सर्विस क्या दिया जा रहा है, जो कि आपका यहाँ पे बात करेंगे सर्विस फॉर डिवाइस मॉनिटरिंग, जो आपका डिवाइस जो मॉनिटरिंग हो रहा है उसके लिए क्या सर्विस दिया जा रहा है, डिवाइस कंट्रोल सर्विस, ये सारे क्या है, एक एक सर्विस है ना आपका, डेटा पब्लिशिंग सर्विस, ये सारे आपके एक प्रकार के सर्विस दिया जा रहा है। अब इन सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम क्या, मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैनेजमेंट की, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस ब्लॉक प्रोवाइड वेरियस फंक्शन टू गवर्न ऑफ आईओटी सिस्टम, मतलब ढेर सारे ब्लॉक को क्या करेगा, ये पूरी तरीके से मैनेज करेगा और ये क्या सिस्टम एक पूरी तरीके से तैयार करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं।
इसलिए आईओटी सिस्टम का जितने भी आपके अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं उन सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है। अब जब ये सारा चीज़ आपका मैनेज करेगा तो सिक्योरिटी भी तो वहाँ पे चाहिए भाई, तो इसीलिए यहाँ पे क्या सिक्योरिटी भी रहेगा। अब सिक्योरिटी ब्लॉक आपको प्रोवाइड कराएगा कि अलग अलग जितने भी फंक्शन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या पूरी तरीके से सिक्योर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या आपका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, मतलब क्या विदाउट परमिशन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ लीक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ऑथराइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है। मैसेज एंड कंटेंट जो भी रहेगा वो सारा चीज़ें पूरी तरीके से या डेटा जो भी है वो सिक्योर होना चाहिए। किसके अंतर्गत रहेगा ये आपका ये ब्लॉक जो रहेगा वो हैंडल कौन करेगा, सिक्योरिटी ब्लॉक हैंडल करेगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट यहाँ पे समझिएगा कि आपका एप्लीकेशन, अब ये ब्लॉक आपका क्या करेगा, एप्लीकेशन ब्लॉक मीन्स दिस इज एंड इंटरफेस दैट यूजर, ठीक है, कैन यूज टू कंट्रोल मॉनिटर वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ द आईओटी सिस्टम। मतलब ये सारा रोल तो आपका बैकएंड में काम किया लेकिन एप्लीकेशन का रोल क्या हुआ, यूजर को इंटरफेस मिलेगा, मीन्स एक ऐसा बातचीत करने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा किससे, डिवाइसेस वगैरह से, या जो कोई भी आपका एक डिवाइसेस दूसरे डिवाइसेस से मैनेज हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, वो क्या एप्लीकेशन के जरिए वहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अलग अलग क्या मॉनिटरिंग वेरियस अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है। अब उसका इंटरफेस कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये एप्लीकेशन करा रहा है, एप्लीकेशन ब्लॉक करा रहा है, इसलिए इसको हम और क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन आल्सो अलाउ यूजर टू व्यू द सिस्टम स्टेटस, मतलब सिस्टम का जो भी स्टेटस रहेगा वो दिखाने में मदद करेगा, व्यू और एनालाइज द प्रोसेस्ड डेटा, मतलब जो डेटा आपका प्रोसेस हो चुका है वो सारा चीज़ें आप पूरी तरीके से देख पाएंगे कि आपका कितना कार्य हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आप ये समझ पाते हैं कि जब कभी भी जैसे कोई सिस्टम में या आप अपने मोबाइल में ही कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट करते हैं, देखिए आपको जाते हुए वो प्रोसेसिंग होते हुए पूरा का पूरा दिखता है, तो ये रोल किसका हुआ, ये रोल पूरा आपका हुआ एप्लीकेशन का हो गया, जो कि आपका यूज़र आप एक हो गए उसके बीच में और मशीन के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है जो कि आप उसको पूरी तरीके से वार्तालाप कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं पूरे अच्छे से स्टेटस के साथ। गाइज इसके बाद हम दूसरा बात यहाँ पे करेंगे, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल, मीन्स आईओटी जो एक कम्युनिकेशन मॉडल रहेगा इसमें आपका चार प्रकार का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि सबसे पहला होगा रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल, एंड तीसरा यहाँ पे पुश पुल मॉडल, एंड लास्ट यहाँ पे देखेंगे एग्जीक्यूटिव पेयर मॉडल। अब यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे हम समझेंगे देखिए रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहला है जो रहेगा रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल में, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे ये कम्युनिकेशन मॉडल कुछ इस प्रकार से है, जो कि क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट के माध्यम से रिक्वेस्ट सेंड किया जाएगा, रिक्वेस्ट टू सर्वर, अब सर्वर पे जाएगा, देन सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट, मतलब सर्वर क्या करेगा उस रिक्वेस्ट को जवाब देगा, मतलब रिस्पॉन्ड करके जवाब देगा। जैसे कि आप इंटरनेट वगैरह क्या यूज़ करते हैं तो आप पहले क्या करते हैं एज ए क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट या अपना क्वेश्चन आप क्या करते हैं कि गूगल पे डालते हैं, देन वहाँ पे वो गूगल क्या करता है सर्वर पे जाता है, अब वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आता है, जो आपने रिक्वेस्ट डाला है उसका रिस्पॉन्स लेके आता है तो आपके डिस्प्ले पे शो कराता है। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। इस कम्युनिकेशन मॉडल में आपको देखने के लिए मिलेगा व्हेन द सर्वर रिसीव अ रिक्वेस्ट इट डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्स, मतलब किस तरीके से मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है, फैच द डेटा, मतलब डेटा को मुझे कैसे फैच करना है, ठीक है, अब मुझे वहाँ पे कैसे उसका अलग अलग रिप्रेजेंट मुझे करना है उस डेटा को या उस रिसोर्सेज को, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे क्या प्रिपेयर द रिस्पॉन्स, और ये सारा क्या रहेगा अलग अलग, एंड देन सेंड द रिस्पॉन्स, ये सारा टास्क क्या रहेगा पूरा पूरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल के अंतर्गत सारा कार्य जो रहेगा वो सर्वर का होगा, जो कि सर्वर के पास जाता है, तब जाके वो टू द क्लाइंट, क्लाइंट के पास क्या करेगा पूरी तरीके से डेटा वो शेयर करेगा। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, आप ये भी समझिएगा इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल जो आपका होता है वो क्या स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, बहुत बार ये ट्रू फॉल्स में आपका एग्जांपल में एग्जाम वगैरह में पूछता है और एग्जाम्पल के रूप में भी कभी आप ऐसे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे समझिएगा ईच रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर इन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, मतलब क्या रहेगा ये जो कोई भी ईच रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा वो क्या पेयर रहेगा,
पेयर इज इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, जो इसका पेयर क्रिएट किया जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, अदर की अपेक्षा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। अब यहाँ पे ये भी समझिएगा, एचटीटीपी वर्क एज ए रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल, जो एचटीटीपी आपका रहेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो पूरी तरीके से इसी पे वर्क करता है, ठीक है, प्रोटोकॉल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे अ वेब ब्राउजर मे बी द क्लाइंट, मतलब वेब ब्राउजर क्या है, एक प्रकार का आपका क्लाइंट है, एंड एन एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल है, दैट होस्ट अ वेब, ठीक है, होस्ट अ वेबसाइट मे बी द सर्वर, जहाँ पे आपका वेबसाइट पूरी तरीके से होल्ड है, मतलब वहाँ पे होस्ट है, जहाँ पे रुका हुआ, जहाँ पे स्टोर किया गया है वो क्या है, एक प्रकार का सर्वर है, इसीलिए इसको रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल बोलते हैं। अब यहाँ पे अगला एक एग्जांपल भी ऐसा समझ सकते हैं कि क्लाइंट मतलब ब्राउजर सबमिट करेगा क्या, सबमिट एंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द सर्वर, देन द सर्वर रिटर्न अ रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के पास क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स आता है, द रिस्पॉन्स कंटेन स्टेटस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट एंड मे आल्सो कंटेन द रिक्वेस्ट कंटेंट, मतलब क्या रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे सिस्टम में गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, गूगल पे आपने ये आपका गूगल ओपन किए हैं, यहाँ से आप सर्च कर रहे हैं, आप सर्च करेंगे कहाँ जाएगा, आपके सर्वर के पास, वहाँ से सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स लेके आएगा, तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स लेके आएगा वो आपके इस डिस्प्ले पे दिखेगा। तो बस यही फीचर पूरा पूरा आपका क्या, क्लाइंट रिस्पॉन्स सर्वर जो मॉडल है आपका है वो यही चीज़ है। सेम एज इट इज़ आप यही फिगर में भी देख सकते हैं कि आप अपने सिस्टम से क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट देंगे, अब यहाँ पे सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से आपका क्या रहेगा, ये पूरी तरीके से जो भी रिसोर्सेज वगैरह रहेगा यहाँ से फिर रिस्पॉन्ड करके आपके पूरी तरीके से क्लाइंट के पास दिखेगा। गाइस सेकंड यहाँ पे हम समझेंगे पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल, इसका मतलब यह हो जाएगा बीच में कोई रहेगा ब्रोकर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा पब्लिक सब्सक्राइबर इज एन कम्युनिकेशन मॉडल दैट इन्वॉल्व पब्लिक, ठीक है, पब्लिशर रहेगा, ब्रोकर एंड कस्टमर, मतलब बीच में क्या हुआ, यहाँ पे ब्रोकर रहेगा, मतलब एक तरीके से दलाल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच का क्या रहेगा, एक मीडिएटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी समझिएगा पब्लिशर आर द सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, पब्लिशर के पास क्या रहेगा, ढेर सारे डेटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये भी समझिएगा पब्लिशर सेंड द डेटा टू द टॉपिक, ठीक है, टॉपिक वाइज क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, विच आर, ठीक है, मैनेज बाय द ब्रोकर, उसको कौन मैनेज करेगा, ब्रोकर मैनेज करेगा, जो बीच का मीडिएटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा जो आपका पब्लिशर आर नॉट अवेयर द कस्टमर, मतलब नॉट अवेयर ऑफ द कस्टमर, अब मतलब कस्टमर के बारे में उसको जानकारी कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब कस्टमर सब्सक्राइबर टू द टॉपिक विच आर मैनेज बाय द ब्रोकर, अब यहाँ पे जो कस्टमर के पास जो कोई भी टॉपिक रहेगा उसको कौन मैनेज करेगा, ब्रोकर, मतलब पूरा पूरा काम किसका, ये ब्रोकर का है, मीडिएटर का काम है। अब यहाँ पे समझिएगा देन ब्रोकर रिसीव डेटा, ठीक है, ब्रोकर क्या करेगा, रिसीव करेगा डेटा फॉर द टॉपिक फ्रॉम द पब्लिशर, मतलब पब्लिशर से क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा, इट सेंड द डेटा, मतलब डेटा को क्या करेगा, वो सेंड करेगा किसके पास, सब्सक्राइबर कस्टमर के पास, वो क्या करेगा, डेटा को शेयर करेगा, मतलब काम किसका हुआ, बेस का पूरा काम कौन कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, जो कि काम है ब्रोकर का। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखिए कि आपका यहाँ पे पब्लिशर के जरिए जो कोई भी डेटा रहेगा वो मैनेज किया जा रहा है और आगे शेयर किया जा रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा देखिए जो आपका सर्कल में वो क्या है, ब्रोकर है, जो कि मैनेज कर रहा है, कौन, ब्रोकर मैनेज कर रहा है, और ये सब्सक्राइबर वन, सब्सक्राइबर टू, सब्सक्राइबर थ्री, ये सारे क्या है, एक कस्टमर है, जो कि डायरेक्ट किससे जुड़े हैं, ब्रोकर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो क्या, ब्रोकर से ले रहा है। अब यहाँ पे मैनेज कौन कर रहा है, पूरा पूरा ब्रोकर मैनेज कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे क्या, अलग अलग ये नाम जो बता रहे हैं, ये टॉपिक हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, इसलिए इसको पूरा पूरा हम बोलेंगे पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल बोलते हैं। गाइस इसके बाद यहां पे समझेंगे पुश पुल मॉडल, जो थर्ड यहां पे है। अब यहां पे ये समझिएगा पुश पुल इज ए कम्युनिकेशन मॉडल, एक प्रकार का ये भी कम्युनिकेशन मॉडल है। अब यहां पे इन विच द डेटा प्रोड्यूस, ठीक है, पुश द डेटा टू द क्यू, मतलब ये कैसा रहेगा, डेटा जो रखा जाएगा वो क्या है, क्यू के फॉर्म में रहेगा, एक लाइन के फॉर्म में डेटा आपका पूरी तरीके से रखा जाएगा, ठीक है। एंड द कस्टमर पुल द डेटा फ्रॉम द क्यू, मतलब यहाँ पे कस्टमर जो रहेगा वो एक एक करके निकालता चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, जो पूरी तरीके से आपका प्रोड्यूसर रहेगा वो एक एक करके लाइन में देता चला जाएगा, यहाँ पे रखता चला जाएगा, अब जिसका जो आएगा वो सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर अपना आके लेता
चला जाएगा। जैसे मूवी टिकट वगैरह आप लेते हैं, क्या एक लाइन लगा देंगे, अब उस लाइन के हिसाब से आपका वो टिकट मिलता चला जाएगा। अब देखिए बीच में जो आपका ये क्यू बनने के कारण, यहाँ पे प्रोड्यूसर डू नॉट नीड टू बी अवेयर ऑफ द कस्टमर, उसको कस्टमर के बारे में जरूरत नहीं है जानने की। यहाँ पे ये भी समझिएगा क्यू हेल्प द, ठीक है, डिकपलिंग द मैसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। यहाँ पे क्या रहेगा, यह आपका जो क्यू क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डिकपलिंग मतलब पूरी तरीके से जो भी आपका कस्टमर रहेंगे उन्हीं को डेटा ये चीज़ें मिलना चाहिए, ये यहाँ पे मदद मिलता है, उसी को बोलेंगे क्या, डिकपलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा क्यू आल्सो एक्ट एज बफर विच हेल्प द सिचुएशन व्हेन देयर इज अ मिसमैच। इसके पास यहाँ पे एक्ट रहेगा ऐसा बफर का, जो अगर कोई सिचुएशन मिसमैच कर रहा है तो वो वहाँ पे उठा के रख दे। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए बिटवीन द रेट एट विच द प्रोड्यूसर पुश डेटा एंड द रेट एट विच द कस्टमर पुल डेटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर से आप समझिए कि यहाँ पे क्या ये पब्लिशर है, पब्लिशर क्या कर रहा है, डेटा यहाँ पे क्या कर दे रहा है, क्यू में रख दे रहा है। अब इस क्यू में आपका जो भी छोटा छोटा डेटा आपका रख दे रहा है, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, ऐसा। अब यहाँ पे जो भी कस्टमर यहाँ पे लाइन लगे हैं वो यहाँ पे क्या एक एक करके लेते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये भी देखिए आपका क्या हो रहा है कि अलग अलग कस्टमर वन का हो गया, ये कस्टमर टू का हो गया, ऐसे कस्टमर थ्री का हो गया, जितना भी ऐसा रहेगा ये क्या रहेगा आपका, इस ये क्यू एक जनरेट हो रहा है। देखिए इसी क्यू में ये डेटा पूरी तरीके से रख दे रहा है, इसीलिए जो ये फिगर पूरी तरीके से जनरेट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पुश पुल मॉडल। लास्ट जो आपका रहेगा फोर्थ का, अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल, यहाँ पे हम रहेगा जो एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल है वो क्या बाई डायरेक्शनल है, मतलब क्या रहेगा ये टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब आपका पूरी तरीके से फुल डुप्लेक्स में आएगा, मतलब एक कम्युनिकेशन यहाँ से मैंने मैसेज भेजा, यहाँ से मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। ये एरो जो मैं बना रहा हूँ ये एक तरीके का आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है, दैट यूज अ, ठीक है, प्रसिस्टेंट कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। जो ये कनेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, प्रसिस्टेंट कनेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला ये भी समझिएगा, कनेक्शन इज सेटअप इज रिमेन ओपन अनटिल द क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू क्लोज द कनेक्शन। मतलब ये कनेक्शन तब तक ओपन रहेगा जब तक क्लाइंट क्या करेगा, ये नहीं रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इसको आप क्लोज कर दीजिए, तब तक ये ओपन रहेगा। अब क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर कैन सेंड मैसेज टू ईच अदर आफ्टर कनेक्शन सेटअप, मतलब कनेक्शन सेटअप होने के बाद एक दूसरे को मैसेज वो पूरी तरीके से भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्सक्लूसिव पेयर इज स्टेटफुल कम्युनिकेशन है, ये कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, स्टेटफुल, याद रखिएगा स्टेटफुल कम्युनिकेशन मॉडल रहेगा, ठीक है। एंड द सर्वर इज अवेयर ऑफ ऑल द ओपन कनेक्शन, सर्वर के पास पूरा पूरा जानकारी रहेगा कि ये ओपन कनेक्शन किस तरीके से कैसा वार्तालाप ये हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देखिए कि आपका एक क्लाइंट हो गया, दूसरा यहाँ पे सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गया, दूसरा यहाँ पे सर्वर हो गया। अब यहाँ पे क्या क्लाइंट के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, तो रिक्वेस्ट टू सेटअप कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। देन आपका क्या मैसेज जा रहा है, यहाँ पे मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, अब यहाँ पे मैसेज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट जा रहा है, फटाफट ऐसा जा रहा है ना, कनेक्शन इज क्लोज्ड, रिक्वेस्ट गया यहाँ पे, देन आपका कनेक्शन क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइंट ने भेजा कि भाई हमारा रिक्वेस्ट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, अब आप यहाँ पे इस कनेक्शन को क्लोज कर दीजिए, देन ये आपका कनेक्शन क्लोज होगा। गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का अगर क्वेरी है या इस वीडियो में ऐसा आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम आपको है, तो आप मुझे इस मेल पे अपना इन्फॉर्मेशन या जो आपका क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।